वेलकम बैक टू न्यू वाला दोस्तों, चलिए करते हैं शुरुआत। MPSC 002 आपका कोर्स कोड है। इससे पहले कंपलसरी कोर्स कोड MA के हमने करा दिए हैं। अब ये आपके जो कंपलसरी नहीं है इसे आप कह सकते हैं इलेक्टिव, यानी कि आपको यहाँ पर चॉइस करने का मौका मिलता है। करते हैं शुरुआत सबसे लेटेस्ट पेपर के साथ। जून 2023 का आपको पहला पेपर दिखा रहे हैं। अब 22-21 का ना वो भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे लेटेस्ट दिखा रहे हैं जो अभी हाल ही फिलहाल में आपकी परीक्षा हुई है। राज्य और समाज, बात करें स्टेट एंड सोसाइटी, बात करूं कितने नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का। जब भी 50 नंबर का पेपर होता है आपका समय हो जाता है 2 घंटे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये सबसे लेटेस्ट पेपर क्यों लिया, ताकि आपको ही पता लगे कि लेटेस्ट पेपर इग्नू की साइड पे अवेलेबल हो चुका है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर हम लेते हैं ये कोई हम खुद नहीं बनाते, ये जब तक इग्नू की साइड पर नहीं आते हम इसे नहीं ला सकते, ना कोई यूट्यूबर ला सकता, ना कोई चैनल ला सकता। जब 23 के अवेलेबल हो गए हमने आपके लिए यहाँ पर ला दिए, ठीक है। चलिए आपको ये भी पता लग जाएगा अभी पिछले साथियों ने आपका जो पेपर दिया था उसमें कैसी कैसी चीज़ें थी। पहला जो पेपर होता है आपको जो मेन चीज़ है ये चीज़ मैथ करनी है, आपका कोर्स कोड क्या है, और दूसरा के जून वाला है आगे आप कौन सा देखोगे। चलिए और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि कम से कम 2% आपको चुनने हैं किसमें से, हर खंड में से। खंड मतलब होता है पार्ट या सेट। टोटल आपको 5 करने हैं। वर्ड लिमिट आपकी 400 रहने वाली है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, ऐसा नहीं है पहले के मुझे 20 नंबर मिल जाएंगे दूसरे के 30 मिल जाएंगे तो 2 कर जाऊंगा पेपर छोड़ जाऊंगा, नहीं। चलिए जैसे पार्ट 1 आप देख रहे हो तो 2 इसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं, आए या ना आए लेकिन 2 करने ही करने हैं। 19वीं शताब्दी में चीली, चीली मतलब मिर्च होता है लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। 19वीं शताब्दी में चीली के आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में खनिजों का महत्व, खनिज आपको थोड़ा बहुत पता हो तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि सोना चांदी ब्रांस और आपका चाहे वो कॉपर हो चाहे वो पीतल हो, ये सारी चीज़ आपकी खनिज होती है, कोयला भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लैटिन अमेरिका में स्वदेशी समाज किस हद तक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। लैटिन अमेरिका, ये क्वेश्चन आपका कोड अलग ही अलग है लेकिन पहले भी पूछा गया। लैटिन अमेरिका में स्वदेशी, स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश में बना हुआ, समाज किस हद तक राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है, राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा किस हद तक है ये आपको यहाँ पर बताना है। मैक्सिको में, मैक्सिको आपको पता है कंट्री है, मैक्सिको में लाजारो कर्नेडस जो हैं उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में लोक नुभावन कृषि आंदोलन की प्रकृति कैसी थी और उसका महत्व आपको करके बताना। बताइए कभी गए मैक्सिको नहीं हो लेकिन वहाँ के आंदोलन आपको पता होने चाहिए, कहीं ना कहीं ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। अगर इसकी जगह शायद हमारे देश के किसानों की समस्याएं होती तो कुछ काम भी आती और कहीं ना कहीं 4 जनों में बैठ के हम बात भी करते। कहते नहीं कई बार बिना सर पैर वाली बातें हमें पढ़नी पड़ती हैं, अजीब हमें भी लगता है, लेकिन डिग्री प्राप्त करनी है तो इसी स्टेप से गुजरना पड़ेगा। नव उदारवाद के युग में लैटिन अमेरिकी देशों के बाजार, राज्य और समाज के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। अब बताइए इनके संबंध की जगह अगर भारत के जानते तो कहीं ना कहीं तुम कुछ बताते तो किसी की हेल्प तो करते, लेकिन यहाँ पर लैटिन अमेरिका को जानना है। ब्राज़ील में आर्थिक चक्रों की प्रकृति और बुनियादी विशेषताओं पर यहाँ पर चर्चा करनी है। अब बच्चा इन्हें रट के जाएगा फालतू की चीज़ को, वो ही पेपर तक ही याद रखता है फिर वो भूल जाता है। मतलब जब इतनी अजीब अजीब चीज़ें आती हैं हमारा ही मन करता है ये चीज़ें कितनी अजीब है, लेकिन आपको पता है हमारा देश फेमस है भेड़ चाल के लिए। एक चीज़ जो कर रहा है वही करेंगे शायद। राहुल गांधी जगह जगह विजिट कर रहे हैं, एक बार इग्नू यूनिवर्सिटी भी आ जाएँ और देखें यहाँ पर कैसे कैसे कोड चल रहे हैं। समकालीन लैटिन अमेरिका के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए विचारधारा के संस्थानों के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक विकास। ये आपका राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल आपको पता है डेमोक्रेसी, और आर्थिक विकास एक दूसरे को किस हद तक प्रभावित करते हैं, पूरा का पूरा प्रभावित करते हैं किस हद तक क्या। अगर जो है राजनीति है जो हमारा ये देश है, अगर वो ईमानदारी से वो जो पैसा आता है देश को सिस्टम को चलाने के लिए व्यवस्था को, अगर वो इधर उधर रिश्वतखोरी ना करे या इधर उधर ट्रांसफ़र ना करे, ईमानदारी से देश पर खर्च करे तो आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से होगा। कहीं सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश आज, आपको पता है सोने की चिड़िया क्या, चिड़िया भी नहीं रहा, इतनी बेरोजगारी और इतना जो स्थिति यहाँ पर सिचुएशन ख़राब चल रही है। सत्तावाद के तहत लैटिन अमेरिकी देशों के उभरे महिला आंदोलन की यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं से आप क्या समझते हैं, ठीक है। संक्रमण यानी संक्रमण होती है कोई बीमारी, अब कोई ऐसा मैनेजमेंट जो एक बार फंस जाए, जैसे अभी आपको पता है कई कोई सरकार या कोई कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है
अब आपने एक चीज चुन ली तो 5 साल के लिए हमें कोई गवर्नमेंट है चाहे वो अच्छी है बुरी है झेलनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो एक बीमारी की तरह हो जाती है। जैसे हर चीज के लिए कोई रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी कोई रूल बनना चाहिए, अगर सरकार अच्छा काम ना करे तो 5 साल से पहले उसे हटा दिया जाए। अमेरिकी राज्यों का संगठन, लैटिन अमेरिका और भारत, ये आपको यहाँ पर बताना है। आप बोलेंगे कहीं ना कहीं पूरे पेपर में मैंने अपने देश की बात क्यों की, क्योंकि आपको भी पता लगना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो या चीज़ें कर रहे हो, माइंड को अपने डेवलप करो। पेपर पास तो आप कर ही लोगे, इन फ्यूचर आपका क्या योगदान होगा अपने देश में, और कल को इन्हीं क्वेश्चनों से हमारी आने वाली यूथ को ना गुजरना पड़े, इसीलिए आपको ये चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, ताकि आप भी कुछ सोचें कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। जून 2022 का आपका पेपर है, रिपीट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताई दिए जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। एग्जाम टाइम में कॉन्सेप्ट क्लास भी यहाँ पर होगी, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। दवाई खा के याद करो, आँख बंद करके याद करो, 10-10 घंटे पढ़ के याद करो, पढ़ के पेपर में लिख के आपको आना है, हम बस आपकी हेल्प करेंगे चीज़ों को आसान बनाने में। चलिए, लैटिन अमेरिकी सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा विकसित किए गए निर्भरता के सिद्धांत, देखिए पहला ही क्वेश्चन रिपीट है आपका। बागान अर्थव्यवस्था क्या है? बागान होता है जहाँ पर ये फ्रूट्स टाइप की कुछ खेती होती है, कल्टीवेशन टाइप, तो वो होता है बागान। गुयाना, गुयाना और त्रिनिडाड में बागान अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। ये पता नहीं ये दो देश हैं या सिटी हैं या कंट्रीज है, क्या है, तो इनकी विशेषता बतानी है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में पंपास, पंपास आपको नहीं पता मैं बता दूँ, घास के मैदान को कहते हैं, कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर एक लेख लिखिए। अब देखिए वहाँ के घास के मैदान के ऊपर लेख लिखवा रहे हैं और अपने घास के मैदान के बारे में हमें पता नहीं है ढंग से। ब्राजील में आर्थिक उतार चढ़ाव, रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। फिडेल क्रेस्टो के नेतृत्व में क्यूबा की क्रांति, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम पे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन था ये। क्यूबा एक जगह है, एक स्थिति है, जहां पर आपको पता है रशिया ने परमाणु सेट कर दिए थे, जिससे अमेरिका और उसके बीच शीत युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो फिडेल कैस्ट्रो की लीडरशिप में क्यूबा क्रांति क्या है, उसके स्वरूप और उसके महत्व को आपका वर्णन करना है, ठीक है। चलिए, लैटिन अमेरिका के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लैटिन अमेरिका में आयात प्रतिस्थापन, आयात और निर्यात, आयात मतलब होता है कोई चीज़ आपकी लेना, निर्यात मतलब होना है कोई चीज़ आपका देना, हिंदी में कहते हैं आपका, इंग्लिश में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट लेना एक्सपोर्ट बाहर भेजना। चलिए, क्षेत्रीय संगठन के मुक्त बाजार में पूंजीवाद कैपिटलाइजेशन में उतार चढ़ाव के खिलाफ लैटिन अमेरिका की देशों में एक ढाल का प्रदान करता है। और आपका क्वेश्चन नंबर 9, लैटिन अमेरिकी देशों में महिलाओं की लामबंदी, एक क्या है महिलाओं की लामबंदी, इसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है, किसके संदर्भ में, लैटिन अमेरिका। भारत में विशेष संदर्भ में लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग अच्छे नहीं हैं। चलिए, और इसी का लास्ट MPSC 002 का लास्ट पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके अलावा नेक्स्ट कोड आपके 3-4 एक दिन डाल लूँगा, फिर 5-6 एक दिन डाल दूंगा, और इसी तरीके से आपके जो पॉलिटिकल ओनर्स वाले दोस्त हैं हमारे MA के, सारे कोड्स उनको प्रीवियस ईयर के यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये देखिए, आपको ऐसा नहीं सोचना कि इसमें क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आंसर्स के लिए आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लास चलाई जाएगी, या इम्पोर्टेंट सीरीज जो चैनल पर हमारे बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, उसमें आपको इनके आंसर बताए जाएंगे। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान मैक्सिको में स्वदेशी श्रम मैंने आपको बताया भी था इसका मतलब। अंतर्मुखी विकास रणनीति की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, मीन्स एवेल्युएशन कीजिए, लैटिन अमेरिका देशों में किए गए किसी सुधारों, तो कृषि के ऊपर एक क्वेश्चन आना है लैटिन अमेरिका को लेकर, आप इस बात का ध्यान रखिए, लिख लिख के देख लेना क्या है आखिर पूरी की पूरी सिचुएशन। लैटिन अमेरिका के संदर्भ में निर्भरता में एवं विश्व व्यवस्था विकास के सिद्धांत पर एक टिप्पणी आपको लिखनी है। लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए कौन सी न्यूनतम प्रक्रियात्मक शर्तें आवश्यक है, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए ऐसी कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस कह सकते हैं आप, शर्तें आवश्यक हैं जो उसके अस्तित्व के लिए, इसे बनाए रखने के लिए। बोलविया ही क्रांति आई थिंक ये रशिया से रिलेटेड थी, पता ही नहीं, काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ उसे मैं। 1952 to 1964 पर एक निबंध लिखिए। नए सामाजिक आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या है, उन्हें संक्षेप में आपको बताना है। लैटिन अमेरिका में क्षेत्रवाद का विकास, पहले भी क्वेश्चन यही आया था, आपने देखा भी अभी भी। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, लड्डू क्वेश्चन बना के लिख दो, ये कहता है कि हमारा कोई धर्म नहीं है, देश का या संविधान का कोई धर्म नहीं है, लेकिन सच्चाई में तो है, वो अलग बात है। सीओम बोलीवर, तो आपने MPSC 002 के सारे 3 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखे, जिसमें 2023 से हमने शुरुआत करी थी।
इसी के अलावा जो आपके बाकी बचते हैं उसे भी लगातार इसी चैनल पर कराया जाएगा। और कंसेप्ट क्लास के लिए अपने नंबर को बढ़ाने के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।